What are the steps in valuing a company using CCM method? यानी कि किसी कंपनी का CCM method के बेसिस पे अगर हमको वैल्यूएशन करना है तो उसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे. उसका पहला स्टेप होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपेरेबल कंपनी, यानी कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं उसके जैसी कंपनी आपको पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. उसके बाद में सेलेक्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ मल्टीपल, यानी कि क्या है, यानी कि जिस बेसिस पर आप आपकी टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे वो पैरामीटर, वो आपको जो मल्टीपल है वो डिसाइड करना पड़ेगा. जैसे कि हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें हमने पहले एक कंपनी के बारे में सोचा और हमने कंपनी के वैल्यूएशन के लिए जो हमने मल्टीपल लिया एज दी बेसिस दैट वॉज दी पीई मल्टीपल. एंड लाइकवाइज हमने जो ट्रांजेक्शन बेसिस पे जिसका वैल्यूएशन किया एक होटल का, उसके लिए हमने क्या मल्टीपल लिया, उसके लिए हमने मल्टीपल लिया वैल्यू, बिकॉज दैट वॉज ए होटल सो वी टुक द मल्टीपल एज वैल्यू पर रूम एंड दैट केम टू हाफ अ करोड़. और एंड दैट इज़ वॉट यू विल हैव टू डू एज स्टेप नंबर टू, सेलेक्शन एंड कंप्यूटेशन ऑफ मल्टीपल्स. वो आपको करना पड़ेगा, वो मल्टीपल आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे. जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कैलकुलेट किया फॉर दी quoted price and for the transaction hotel that was sold. Comparison of valuation subject with the comparable company. तो अब third step क्या है, third step जैसा कि मैंने पहला कहा और आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में कोई भी दो कंपनी एक जैसी नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं. सो टू कंपनीज इन द होल वर्ल्ड कैन नेवर बी आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. There will always be something or the other that will be differing between the two companies. जैसा कि हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया, the difference can be based on the size, based on the management, based on the geography, based on the capacity, based on the capital structure, based on the number of projects, based on the number of products, based on the markets. So there may be 10,000 reasons because of which there may be differences between the target company एंड दी कंपेरेबल कंपनी जिसको कि आप रेफरेंस करके यूज कर रहे हैं फॉर दी पर्पज ऑफ वैल्यूएशन. सो एज अ थर्ड स्टेप आपको थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, आपको थर्ड स्टेप में आपको जो जिस टारगेट कंपनी में और कंपेरेबल कंपनी में कंपेरिजन करना है और मालूम करना है कि कौन कौन से रीजन्स हैं जो कि दोनों कंपनियों में सेम नहीं है. और क्यों मालूम करना है आपको ये रीजन्स, सो दैट यू कैन एडजस्ट द प्राइस ऑफ द कंपेरेबल कंपनी so as to arrive at an appropriate price for the target company valuation. So that's your step number 3. Step number 4, adjustment to multiples, and that is what you will do. Number 5, application of multiple on appropriate parameter. So depending on the different situation, aur hum log discuss karenge ki kuch alag alag situation mein parameters alag ho sakte hain, multiple alag ho sakte hain, to wo aapko apply karna padega. And finally, using the all the above steps, arrive at the value of the target company. तो इस केस में हमने क्या किया, इस ये जो दो केसेस हमने डिस्कस किए, ये दो केसेस में हमने करीब करीब ये सारे स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट किया और सारे स्टेप्स को इनकॉर्पोरेट किया. एंड दैट इज़ ऑ इन दिस केस वी केम वी डिराइव द वैल्यू ऑफ 3,000. एंड इंसिडेंटली इन दिस केस आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड बट इन दिस केस ऑल्सो द वैल्यू केम टू 3,000 only. So these are the friends steps that you will follow for the arriving at the value of your target company using the CCM method. With this we come to the close of our discussion for today. We will continue from here. Now before we close, let me remind you jo 5th case study hai uske 4 questions hain, wo 4 questions ko aap dono individually solve kariye और हम कल जब मिलेंगे पहले तो पहले वो चेक करेंगे. एंड नंबर 2 केस स्टडी 6 जो है उसको भी आप सॉल्व करिए इंडिविजुअली, जब हम कल मिलेंगे तो हम उसको सॉल्व करेंगे. और एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. अगर आपको आपकी तरफ से कुछ कहना है तो आप ज़रूर बोलिए. एक्सेल शीट जरा शेयर कर दीजिए. बिल्कुल, एक्सेल शीट भी आपको मिल जाएगी और ये जो मेरे बाकी के जो प्रेजेंटेशन है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको बिल्कुल यूज करिए. वो जो फॉर्मेट वगैरह मैंने बना के दिए हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़िए. फॉर्मेट बनाना हुआ, यस फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, आपको थोड़ा ट्वीकिंग करना पड़ेगा. दो चार बार अपना खुद लिख करके उसको हाथ में ले लेने से एक बार इजी हो जाएगा. एग्जैक्टली 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 या
So thank you, Pramod ji, for a great session. Actually, I'm traveling to Bangalore tomorrow, 16, 17 and 18. Okay. But I'll try to be there in that class. Mm-hmm. Is there any way you can record this session so that I can view it later? Actually, I don't want the session to be interrupted. नो नो क्या है प्रश्न सर, मैं इनको रिकॉर्ड तो करता हूँ पर क्या होता है कि वो उसको पूरा रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो 3-2.5 घंटे का सेशन होता है ना. तो इवन इफ यू शेयर द डिटेल्स आई विल स्टडी मायसेल्फ, देयर इज एनी डाउट आई विल चेक फ्रॉम यू, बट अदरवाइज प्रोबेबली बी एबल टू अटेंड. ओके ओके, दैट विल गुड. अदरवाइज ये मेरे, आई डोंट नो वेदर यू हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नॉट. तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. उस पर ना ये सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वहाँ से आपको आपको वहाँ से मिल जाएंगे. Certainly. Okay. Thank you very much. Okay. Thank you. Well, I have to get into another meeting now. Sure.